दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं SFC फिश लाइफ यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं मच्छी किस तरह पकड़ाई जाती है और जाल में से मच्छी कैसे निकाली जाती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो हाय गाइस, ये है गोकुल तालाब जो कि महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, तालाब किस तरह है, पूरा फुल भरे हुआ है दोस्तों। गोकुल डैम ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये एक कुआ है दोस्तों, बहुत ही बड़ा कुआ है दोस्तों। कुआ देखिए दोस्तों, किस तरह से फुल है दोस्तों, फुल पानी भर चुका है। देखो कुएं में दोस्तों, बहुत ही फुल पानी है दोस्तों कुएं में, चारों तरफ भी पानी है दोस्तों, और तालाब के अंदर ही कुआ है दोस्तों। हमारी शिकारी वो देखो दोस्तों, थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे दोस्तों। अब वो ऊपर आएंगे तो हम आपको जाल में से मच्छी कैसे निकलती है वो दिखाएंगे दोस्तों। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन दबा कर प्रेस कर दिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों तालाब का पानी कुछ ऐसे ही दिखाई देता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा डैम है दोस्तों। जवाब और बहुत ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। यहाँ शहरों में इतनी मज़ा नहीं आता दोस्तों, गांव और तालाबों में इतना मज़ा आता है। सब तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ और पौधे दोस्तों। तालाब में कैसे पेड़ और पौधे होते हैं दोस्तों, इतने सारे पेड़ है दोस्तों यहाँ बेशरम के। चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है दोस्तों। कुछ मिनट बाद हमारे शिकारी ऊपर आएंगे दोस्तों मच्छियाँ लेकर, वो भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। जो रहता है उसकी नलिया है दोस्तों, बिल में चल जाता है दोस्तों, छुप कर रहता है दोस्तों। केकड़ा, ये केकड़े के, ये बिल के अंदर केकड़ा होगा दोस्तों, कुछ तरह ऐसे बिल बनाता है दोस्तों केकड़ा। बीमार होते हैं ना दोस्तों, वो यही पानी पीते हैं दोस्तों, ये पानी से उनको कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तालाब कितना बड़ा है, और यही पानी जो मच्छीमार लोग होते हैं दोस्तों, यही पीते हैं दोस्तों, यही पानी वो सब पीते हैं। इसे पाट बोला जाता है दोस्तों, जब तालाब में ज़्यादा पानी होता है तब इसके जरिए पानी को छोड़ा जाता है दोस्तों। ये नीचे से ही एक लेयर की तरह होता है दोस्तों, और इधर पानी चला जाता है दोस्तों। जब तालाबों में ज़्यादा पानी होने के कारण, तालाब फटने के कारण ये पार्ट छोड़ा जाता है दोस्तों, पानी जाता है दोस्तों। इसका कॉक रहता है दोस्तों, ये कॉक जब ऑन करेंगे तब से पानी जाता है दोस्तों। अब ये कॉक बंद है दोस्तों, क्योंकि तालाब में अभी इतना ज़्यादा पानी है नहीं दोस्तों। ये पार्ट के जरिए लोग इसे खेती बाड़ी के यूज़ करते हैं दोस्तों। ये पानी आगे चलकर लेयर की तरह आगे जाता है दोस्तों, और ये कॉक ऑन करते ही पानी चालू होता है दोस्तों जाना।